आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लावरिंग ट्रांजिशन कंडीशंस के बारे में, जिसमें से पहला कंडीशन आता है दैट इज़ वर्नलाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब भी हम फ्लावर के बारे में उसके पूरे के पूरे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इनिशियल वीडियो में जो मेरा पहला वीडियो गया था उसमें हमने मेनली बात किया था रिगार्डिंग द ABC मॉडल, राइट। अब ये जो ABC मॉडल है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्लावर डेवलपमेंट। सो आई वॉज थिंकिंग कि स्टार्टिंग के सारे वीडियोज, आई मीन टू से जितने भी फ्लावरिंग कंडीशन वाले जो भी आपके टॉपिक हैं, पहले वो कवर कर दिया जाए ताकि आप लिंकअप रह सके कि यस ये चीज़ इससे ऐसे लिंक कर रही है। तो इनिशियली आई एम ट्राइंग कि जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं, जो भी ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि प्लांट के फ्लावरिंग में एज वेल एज ग्रोथ में हेल्प करें, उनको इनिशियल टाइम में कवर अप किया जा सके, और इन केस कोई रह भी जाता है तो हम उसे बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दी वर्नलाइजेशन। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज वर्नलाइजेशन और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो वर्नलाइजेशन ये जो टर्म है इसका मतलब होता है दैट इज लो टेम्परेचर से प्लांट को ट्रीट करना, ठीक है। लो टेम्परेचर, जब एक प्लांट लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करता है तब जाकर उसमें फ्लावरिंग कंडीशन देखा जाता है। एंड दिस प्रोसेस यानी लो टेम्परेचर को या कोल्ड टेम्परेचर को एक प्लांट को प्रोवाइड करना, इस पर्टिकुलर मेथड को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। देखा ये जाता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने फ्लावरिंग फेज को तब तक अटेन नहीं करते हैं जब तक उनको लो टेम्परेचर ना मिले। आपने मैक्सिमम देखा होगा कि जब ठंड का कंडीशन आता है, जब विंटर शुरू होता है तो फ्लावर्स ज़्यादा ब्लूम करते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट होता है कोल्ड टेम्परेचर का वो पूरा हो जाता है। सो वर्नलाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच द प्लांट एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर सो दैट इट कुड बिहेव लाइक अ कॉम्पिटेंट प्लांट एंड कैन अटेन द रिप्रोडक्टिव फेज दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लावरिंग फेज, फाइन। सो आप देख सकते हैं जैसे कि वर्नलाइजेशन की नीड क्यों होती है। नीड की अगर हम बात करें टू फ्लावर, ठीक है, फ्लावरिंग करने के लिए वर्नलाइजेशन की नीड होती है। जैसे कि अगर हम अरेबिडोप्सिस के बारे में बात करते हैं जो कि मॉडल प्लांट है, यू कैन सी हियर कि अगर इस पर्टिकुलर अरेबिडोप्सिस को हमने लो टेम्परेचर नहीं दिया है यानी नो वर्नलाइजेशन, तो ये देख सकते हैं आप ये जिस कंडीशन में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं दैट इज रोसेट कंडीशन, ठीक है। यानी ये सिर्फ अपने बॉडी में सिर्फ लीव्स को प्रेजेंट करेगा, ये कभी भी फ्लावरिंग फेज में एंटर नहीं कर सकता है अनटिल और अनलेस हम इसको लो टेम्परेचर से ट्रीट ना करें। लेकिन सिमिलरली इसी प्लांट को अगर हम वर्नलाइज कर दें या वर्नलाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर दें तो यू कैन सी कि ये प्लांट फ्लावरिंग कर चुका है, राइट। सो दिस इज अ वर्नलाइज प्लांट या वर्नलाइजेशन के बाद की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी सीड को ऑब्लिक प्लांट को इन केस अगर आप कोल्ड टेम्परेचर देते हो, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर से अगर ट्रीट करते हो तो देर इज़ अ हाईएस्ट चांसेस कि वो फ्लावर कर जाएगा। लेकिन अगर उस प्लांट की नीड है एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट कोल्ड टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर सो दैट फ्लावर इज नॉट गोइंग टू ब्लूम, ठीक है, फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलेगी। एंड दिस इज अ नीड ऑफ अ वर्नलाइजेशन। जैसे कि नॉर्मल बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो फ्लावरिंग के कंडीशंस क्या होते हैं, अगर एक प्लांट फ्लावर करना चाहता है या फ्लावरिंग फेज में अटेंड करना चाहता है तो उसको कैसे कैसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहले जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लाइट की, जिसे हम बोलते हैं फोटो पीरियड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट कॉल दी फोटो पीरियडिज्म, यानी लाइट की लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर में ही हम ये पढ़ रहे हैं दैट इज़ वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट बात आती है जीन की, यानी वो जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, उस जीन की बात हम ऑब्वियसली प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं जिसमें कि हमने ABC मॉडल के बारे में पढ़ा था, और कभी कभी पे फ्लावरिंग कंडीशन में दैट इज़ कुछ यहाँ पे रिसेप्टर्स भी हेल्प करते हैं, मेनली फोटो रिसेप्टर्स, जिसमें से एक मेजर हो जाता है दैट इज़ योर फाइटोक्रोम। उस फाइटोक्रोम के बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे एज वेल एज ये जो लाइट पीरियड है इसमें भी फाइटोक्रोम हेल्प करता है, तो हम इसके केस में भी बात करेंगे। तो जब एक प्लांट फ्लावर कर रहा होता है तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि उसके पीछे अपना रोल निभा रहे होते हैं, जैसे कि हो गया लाइट, टेम्परेचर, जीन्स, रिसेप्टर्स, तो उसी के बारे में हम वन बाई वन डील करेंगे। आज का वीडियो सोलली फोकस करने वाला है व्हाट इज वर्नलाइजेशन, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, कैसे काम करता है, किन जीन्स को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से फ्लावरिंग कंडीशन देखने को मिलती है।
तो ज़रा सा बेसिक एक देख लेते हैं, एक मतलब कहते हैं ना, ये स्लाइड फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आप किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि वनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ वे टू प्रमोट फ्लावरिंग बाय कोल्ड, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर देके फ्लावरिंग को प्रमोट करना, दैट इज़ व्हाट कॉल द वनलाइजेशन। सीधी भाषा में कहें तो वेजिटेटिव फेज को शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी एक ऐसा प्लांट जो कि अपने वेजिटेटिव फेज में है, जैसे कि इसमें कि आपको लीव्स देखने को मिलता है, स्टेम एक्सेप्ट फ्लावर, बाकी जो फेज आपको दिखता है कि अगर एक प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, बाकी सब चीजें एकदम नॉर्मली दिखा रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द वेजिटेटिव फेज। तो ये वेजिटेटिव फेज को वनलाइजेशन के थ्रू थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है ताकि वो प्लांट जल्दी ब्लूम कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट, द इफेक्टिव टेम्परेचर जो होगा, जैसे कि हम कहते हैं कि ओके फाइन, इट इज अ कोल्ड टेम्परेचर, लेकिन कोल्ड टेम्परेचर में तो बहुत से रेंज आ जाते हैं, आप 0 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक को भी कोल्ड मान सकते हो। तो वॉट इज एग्जैक्ट टेम्परेचर, तो देखा जाता है कि अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस या फिर इन बिटवीन 1 एंड 7 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 to 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में, अगर आप इतने टेम्परेचर पे ट्रीट करते हो या इतने टेम्परेचर का कंडीशन देते हो एक प्लांट को, तो हम कहते हैं कि यस, उस प्लांट को वनलाइजेशन दे दिया जा चुका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है ये कि फ्लावरिंग एक्चुअल में कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू प्रमोट की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक प्लांट को फ्लावरिंग मतलब कोल्ड टेम्परेचर दे दो तो वो कट श्योर, यानी 100% गारंटी के साथ वो फ्लावर कर जाएगा। मैक्सिमम प्लांट फ्लावरिंग कर जाते हैं, लेकिन सीधी भाषा में कहें तो वनलाइजेशन एक्चुअल में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। ये वर्ड अगर हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल, यानी हमने वनलाइजेशन प्लांट को प्रोवाइड कर दिया तो वो मतलब कि श्योरली फ्लावर करेगा। लेकिन अगर हम बहुत एक्यूरेटली एंड बहुत स्पेसिफिकली बात करना चाहें तो एक्चुअल में वनलाइजेशन जो है प्लांट को कॉम्पिटेंट बना देता है। कॉम्पिटेंट फॉर वॉट, कॉम्पिटेंट यानी सीधी भाषा में कहें तो उसको कैपेबिलिटी दे देता है, उसको उस लायक बना देता है। और कॉम्पिटेंट मीन्स किस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंस प्रोवाइड कर देता है, फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग करने के लिए कॉम्पिटेंसी यानी कैपेबिलिटी चली जाती है एक प्लांट के पास, और उसके बाद जो है प्लांट फ्लावर करता है। तो अगर हम बहुत स्पेसिफिक बेसिस पे कहें तो वनलाइजेशन कॉम्पिटेंट बनाता है प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, और बहुत अगर हम दैट इज स्पेसिफिक बेसिस पे ना जाकर जनरल बेसिस पे कहें तो हम कहेंगे कि वनलाइजेशन फ्लावरिंग करवाता है, ठीक है। कहने को सुनने में ऐसा लग रहा है कोई डिफरेंस नहीं है, बट देर इज एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है जब आप स्पेसिफिसिटी एंड जनरलाइज दोनों स्टडी में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखा ये जाता है, मान लीजिए एक सीड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट को ही आप कोल्ड टेम्परेचर से या लो टेम्परेचर से ट्रीट कर रहे हैं तो वो जल्दी फ्लावरिंग कर जा रहा है। ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए कोई सीड है, ठीक है, इस सीड को आपने वनलाइजेशन दिया, मतलब इसको कुछ दिनों तक आपने कोल्ड से कोल्ड टेम्परेचर में ट्रीटमेंट दिया, यानी कोल्ड टेम्परेचर कंडीशन में इसको रखा। इसके बाद जब आप इसको सॉ करोगे, जब आप इसको जमीन में डालोगे, तो इससे बनने वाला प्लांट काफी ज्यादा जल्दी जो है फ्लावरिंग करेगा। ओके, बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत कम टाइम लेकर ये फ्लावरिंग करेगा एज कंपेयर टू दैट सीड जिसको कभी आपने कोल्ड टेम्परेचर नहीं दिया था। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि प्लांट का वेजिटेटिव फेज शॉर्ट हो गया और इस प्लांट ने जल्द ही फ्लावरिंग कर लिया, ठीक है। सो कॉम्पिटेंस ऑफ मेरिस्टेम टू अंडरगो द फ्लोरल ट्रांजिशन इज व्हाट कॉल द वनलाइजेशन, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो। सो मेक श्योर, एक और चीज यहाँ पे आती है कि अगर हम कभी भी सीड के वनलाइजेशन की बात करते हैं तो वी रिक्वायर अ फुल्ली हाइड्रेटेड सीड। वॉट इज द मीनिंग ऑफ फुल्ली हाइड्रेटेड सीड्स, ऐसा सीड जिसने कि वाटर को ऑलरेडी एब्जॉर्व कर रखा हो, ताकि उसके अंदर जो बेबी प्लांट है जिसे हम मेनली एम्ब्रियो कह सकते हैं, वो एम्ब्रियो पूरा एक्टिवेट हो गया हो, तभी जाकर वो दैट इज आप कह सकते हो कि कोल्ड टेम्परेचर को परसीव कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा। इसीलिए वी नीड अ हाइड्रेटेड सीड। तो वनलाइजेशन सीड एंड प्लांट दोनों के साथ ही होता है, काम दोनों का एक ही है कि जल्द से जल्द फ्लावरिंग करवाना उस पर्टिकुलर प्लांट में। अगर हम कोल्ड टेम्परेचर नहीं देते हैं तो उस प्लांट में फ्लावरिंग फेज डिले हो जाता है, जल्दी फ्लावरिंग नहीं होगी उस पर्टिकुलर प्लांट में, और वो प्लांट बहुत लंबे टाइम तक वेजिटेटिव फेज में ही रह सकता है। इवन ये भी देखा गया है, काफी केसेस में ये देखा गया है कि अगर आपने
या फिर प्लांट को नेचुरली भी अगर वर्नलाइजेशन नहीं मिला और वो प्लांट अगर ऐसा है कि उसको रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर लो टेम्परेचर की, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक रोजेट फॉर्म में रहता है। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, रोजेट कुछ ऐसा होता है। आपने स्पिनच का प्लांट देखा होगा जिसे हम मेनली पालक कहते हैं, दैट इज़ वॉट दी रोजेट फॉर्म। तो वो जो है रोजेट फॉर्म होता है जिसमें सिर्फ आपको लीव्स दिखती हैं, स्टेम्स देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर वर्नलाइजेशन प्लांट डू नॉट नेसेसरली इनिशिएट फ्लावरिंग बट एक्वायर द कॉम्पिटेंस टू डू दैट। जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ध्यान दें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर दे रहे हो तो ज़बरदस्ती फ्लावर कर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके पास काबिलियत चली आती है, कॉम्पिटेंसी चली आती है। किसी किसी केस में ये भी हो सकता है, जो कि रेयर केस है, कि शायद वो फ्लावर ना करे, तो हमें ये कहना सही रहेगा कि उसके पास कॉम्पिटेंसी चली आती है फ्लावरिंग करने की। लेकिन जनरल बेसिस पे हम यही मान के चलते हैं कि यस, प्लांट जो है उसकी फ्लावरिंग फेज को हम प्रमोट कर देते हैं बाय गिविंग अ वर्नलाइजेशन कंडीशन। अगर हम चाहते हैं कि ये कंडीशन रिवर्स हो जाए, मतलब हम जो है किसी प्लांट को बहुत लंबे टाइम से कोल्ड टेम्परेचर दे रहे हैं और अचानक से हम उससे बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर दे देंगे, तो ये जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट था वो डी वर्नलाइज हो जाएगा। मतलब वो जो खुद को रेडी कर रहा था, खुद को कॉम्पिटेंट बना रहा था, वो कॉम्पिटेंसी रिवर्स हो जाएगी और वो प्लांट फिर फ्लावर नहीं करेगा। और ये जो डी वर्नलाइजेशन की टेक्निक है वो मतलब क्या हुआ कि मतलब रिवर्स जाने का प्रोसेस। तो जैसे कि वर्नलाइजेशन में हम लो टेम्परेचर देते हैं, डी वर्नलाइज करने के लिए हम हाई टेम्परेचर पे प्लांट को ट्रीट कर देते हैं। एंड विद दिस वी हैव डन विथ व्हाट इज वर्नलाइजेशन। आई होप आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसी एरिया से आएंगे या तो आपकी मोड ऑफ एक्शन से आएंगे। अब तो बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, ये आता है कि ठीक है, प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत है, टेम्परेचर वो रिसीव करेगा, लेकिन प्लांट में तो ऐसे बहुत से पार्ट होते हैं, लाइक रूट हो गया, शूट हो गया, इसके अलावा दैट इज स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर हो सॉरी फ्रूट हो गया। तो ये सब चीज़ों में, और तो फ्रूट कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि प्लांट अभी तक फ्लावरिंग फेज में एंटर नहीं किया है, तो यानी रूट, शूट एंड स्टेम हम मान सकते हैं। तो इन सारे पोर्शन में ऐसा कौन सा लाइक प्लांट का पार्ट होता है जो कि कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव कर सकता है, ठीक है, परसेप्शन करने वाली साइट कौन सी होती है? तो इसे हम बोलते हैं दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एरिया में प्रेजेंट रहता है, एपिकल यानी सबसे एपेक्स एरिया में प्रेजेंट रहता है। तो आप कह सकते हो कि ये वाले एरिया एंड ये वाले एरिया जो होते हैं, जो बहुत एपिकल टाइप एपिकल पोजिशन में प्रेजेंट रहते हैं, वो भी शूट में, इसे हम कह सकते हैं कि दे आर दी साइट टू परसीव और दे आर दी साइट टू रिसीव कोल्ड टेम्परेचर, एंड देन आफ्टर दैट दे विल मेक दैट प्लांट कॉम्पिटेंट टू फ्लावर। उसके बाद प्लांट के पास कॉम्पिटेंसी चली आती है। अब सोचने वाले तो फिर ये भी सोचेंगे कि यस, ऐसा क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर ही तो मिल रहा है। ठीक है, सोचने के लिए हम ये भी सोच सकते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा एक कोल्ड टेम्परेचर ही तो मिल रहा है, तो ऐसा क्या चेंज हो जा रहा है कि प्लांट फ्लावरिंग कंडीशन के लिए चला जा रहा है। तो माना जाता है कि जब कोल्ड टेम्परेचर को परसीव कर रहा है प्लांट, तभी जो है दैट इज एक फैक्टर का फॉर्मेशन करता है, ऑब्लिक एक फैक्टर का एक्टिवेशन करता है जिसे हम कहते हैं वर्नेलिन। ओके, वर्नेलिन नाम के कंपाउंड को लाइक एग्जिस्टेंस में लाया गया, इसके कंसेप्ट को दिया गया कि जब कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता है प्लांट में, तो कोल्ड टेम्परेचर पे वर्नेलिन नाम का एक कंपाउंड एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अभी तक इस वर्नेलिन को आइसोलेट नहीं किया जा सका है, एंड दैट इज वाई हम इस कंपाउंड को एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड मानते हैं। मेनली ये प्लांट में ग्रोथ करवाने के काम आता है, प्लांट हार्मोन की तरह हम इसे रिगार्ड करते हैं, लेकिन ये हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि साइंस में जिस चीज़ों को प्रूव किया जा चुका है उसे ही हम एग्जिस्टेंस में मानते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को प्रूव नहीं किया गया है लेकिन हम उसे कंसेप्ट को समझाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सिमिलरली उस हाइपोथेसिस में अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको अभी तक सिर्फ हम अपनी धारणाओं पे, अपने बिलीव्स पे, अपने दैट इज कुछ थ्योरेटिकल बेसिस पे ही सिर्फ बोल पाए हैं, लाइक ओवरऑल बात करें जैसे कि लैबोरेटरी बेसिस पे हमने इसको आइसोलेट नहीं किया है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हाइपोथेटिकल कंपाउंड। तो वर्नेलिन एक हाइपोथेसिस का ही पार्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, अभी तक इसको आइसोलेट नहीं किया जा चुका है। और
ये देखा जाता है कि वानलिन एक्चुअल में मेरिस्टमेटिक टिश्यू में प्रोड्यूस होता है, और एपिकल एरिया में जो है दैट इज जो भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू होती है वहां पे प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोड्यूस इसीलिए हो पाता है क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, और वो लो टेम्परेचर जैसे ही मिलता है वानलिन का एक्टिवेशन हो जाता है। और वानलिन एक्टिवेट होने के बाद ये माना जाता है कि एक फ्लावरिंग पाथवे में एंटर कर जाता है। वो फ्लावरिंग पाथवे जहाँ पे बहुत से अलग अलग ऐसे जीन्स का एक्टिवेशन किया जाता है जो कि प्लांट में फ्लावरिंग करवा सके और प्लांट जो है फाइनली अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाए। तो ये वर्नेलिन वो कंपाउंड है जो कि एक्टिवेट होता है लो टेम्परेचर पे, ऑल्दो इट इज अ हाइपोथेटिकल प्लांट ग्रोथ कंपाउंड बिकॉज इसको आइसोलेट नहीं किया जा सका है, एंड वर्नेलिन मेरिस्टमेटिक रीजन में पाया जाता है। अब बात आती है कि इन केस मान लीजिए अगर हमसे कोई कहे कि ठीक है लो टेम्परेचर की प्लांट को ज़रूरत है, लेकिन इन केस हमारे पास टेम्परेचर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी ना हो तब क्या करें, या फिर एक प्लांट ऐसे कंडीशन में जा चुका है कि उसको कोल्ड, वो कोल्ड को रिसीव नहीं कर पा रहा है या फिर उसको कोल्ड कंडीशन नहीं मिल पा रहा है तो वो ब्लूम नहीं कर पा रहा है, तो वेदर देर इज एनी अल्टरनेटिव कि हाँ हम कोल्ड टेम्परेचर के अलावा कुछ और ऐसा अप्लाई कर दें जिससे कि प्लांट ब्लूम कर जाए, प्लांट में फ्लावरिंग फेज चला है, तो ऑब्वियसली देर इज एन अल्टरनेटिव दैट इज वॉट नोन एज अ जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट हॉर्मोन है जो कि एज अ सब्सिट्यूट यूज किया जाता है वर्नलिन के लिए। मतलब कि मान लीजिए कि प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और आप वर्नलाइजेशन कंडीशन नहीं दे सकते हो या फिर नेचुरल कंडीशन में प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिला है, तो अगर आप टेम्परेचर नहीं दे सकते हो तो क्या कुछ और ऐसा है जो कि आप लाइक आउटर साइड से अप्लाई कर सकते हो? सो द आंसर इज यस। जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि आप एक्सटर्नली भी प्लांट पे अप्लाई करते हो, सो देयर इज अ हाईएस्ट चांसेस कि वो प्लांट फ्लावरिंग कर जाएगा। तो अगर आपके पास टेम्परेचर प्रोवाइड करने का कंडीशन ना हो या प्लांट नेचुरल कंडीशन में टेम्परेचर को नहीं ले पा रहा हो किसी भी कंडीशन से, तो हम जिब्रेलिक एसिड दे देंगे तो वो प्लांट ब्लूम कर जाएगा। तो ये एक सब्सिट्यूट की तरह मान सकते हैं फॉर द कोल्ड ट्रीटमेंट इन सम स्पीसीज ऑफ प्लांट, नॉट ऑल। कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जो कि जिब्रेलिक एसिड को एज अ सब्सिट्यूट यूज ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं हमें तो कोल्ड टेम्परेचर ही चाहिए। ठीक है, कहने का मीनिंग ये हो गया कि वो फ्लावरिंग ही नहीं करेंगे चाहे आप जिब्रेलिक एसिड क्यों ना दें। बट देर आर सम स्पीसीज ऑफ प्लांट जो कि जिब्रेलिक एसिड को एज अ सब्सिट्यूट यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ वर्नेलिन अगर उनको कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिल रहा हो तो। ओके, अब आता है एक केस स्टडी। ठीक है, ऑल दो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन गेट में भी आते रहते हैं। आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी वर्नलाइजेशन से, तो कि ताकि आपको पता चल सके कि यस आपको अप्लाई कैसे करना है अपने इन्फॉर्मेशन को। तो वर्नलाइजेशन का अभी तक इतना मतलब समझ में आ गया कि हम जो है जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज को हम शॉर्ट कर रहे हैं और प्लांट में जो है फ्लावरिंग इन्हांस करने के लिए उसको अलग अलग केमिकल को या फिर आप कह सकते हो कंपाउंड को एक्टिवेशन करवाने के लिए हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखा गया है कि वर्नलाइजेशन कभी भी ड्राई सीड में नहीं होता है। मैंने क्या कहा, वर्नलाइजेशन एक्चुअल में दैट इज दो टाइप से हो सकता है, या तो आप प्लांट को डायरेक्टली दे दो या तो सीड को दे दो। ठीक है, सीड को दिया जा सकता है या फिर प्लांट को दिया जा सकता है, लेकिन सीड में भी दे रहे हो तो दो कंडीशन है। ड्राई सीड को अगर आप वर्नलाइजेशन दोगे तो इट विल हैव नो इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैंने कहा कि सीड का एक्टिव रहना जरूरी है, सीड के अंदर के एम्ब्रियो का एक्टिव रहना जरूरी है। तो अगर आप हाइड्रेटेड सीड को, ओके, हाइड्रेटेड सीड को अगर आप वर्नलाइजेशन यानी कोल्ड टेम्परेचर देते हो, कोल्ड टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, इससे बनने वाला प्लांट जो होगा वो बहुत जल्दी फ्लावर करेगा, अर्ली फ्लावर। फाइन, जबकि ड्राई सीड को अगर आप वर्नलाइजेशन देते हो तो पहले बात तो ये कि यहाँ पे दैट इज लो टेम्परेचर देते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नॉर्मल अपना जितने से ग्रो करना है वैसे ग्रो करेगा, कोई भी मतलब एक वर्नलाइज्ड इफेक्ट तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा ड्राई सीड में। प्लांट में हम क्या करते हैं, प्लांट में हम डायरेक्टली कोल्ड टेम्परेचर देते हैं तो प्लांट नॉर्मली फ्लावर कर सकता है। ठीक है, फ्लावरिंग फेज में आ सकता है। तो इसी ढंग से देखा गया कि ड्राई सीड में वर्नलाइजेशन काम नहीं करेगा, सीड मस्ट बी हाइड्रेटेड सो दैट दे कंटेन एन एक्टिव एम्ब्रियो जो कि दैट इज जो हम दे रहे हैं टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, उसको वो रिसीव कर सके अपने एपिकल पोर्शन से। तो यहाँ पे केस स्टडी आप देख सकते हैं, एक राई के प्लांट को लिया गया था जिसको कि 1 डिग्री सेल्सियस पे, ओके,
केस स्टडी में क्या बोला गया है कि एक राई के सीड्स को लिया गया, सॉरी आई सेड प्लांट, सीड्स को लिया गया और उसको 1 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 4 वीक के लिए ट्रीट किया गया। फाइन। उसके बाद यहीं पे एक और केस में लिया गया, दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल में क्या किया गया, कंट्रोल में दैट इज अगेन राई के सीड को लिया गया और उसको 18 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, नॉर्मली रखा गया, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज कोल्ड टेम्परेचर नहीं दिया गया, बिकॉज 18 डिग्री सेल्सियस इज नॉट एट ऑल अ कोल्ड टेम्परेचर। तो 18 डिग्री सेल्सियस पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको रखा गया। फिर जाकर ये जो सीड लाइक फोर वीक तक जो 1 डिग्री सेल्सियस पे रखा, इस सीड को जाकर क्या किया गया, दैट इज सॉ किया गया एंड आफ्टर दैट इससे प्लांट बना। सिमिलरली इसको भी ऐसा ही किया गया, जमीन में जाकर इसको सॉ किया गया एंड इससे भी प्लांट बना। देखने को क्या मिला कि ये जो प्लांट था जिसको कि वर्नलाइजेशन दिया गया था, ये 11 वीक तक, यानी ये प्लांट जिस सीड से बना था जिसे हमने वर्नलाइज टेम्परेचर दिया था, इस सीड से जो प्लांट बना वो अपने 11th वीक तक पहुंचते पहुंचते फ्लावरिंग करने लगा। ठीक है, 11th वीक तक पहुंचते पहुंचते उसने फ्लावरिंग किया और ये पर्टिकुलर प्लांट जिसको कि हमने सॉरी ये पर्टिकुलर प्लांट जो कि ऐसे सीड से बना है जो कि 18 डिग्री सेल्सियस पे बिना किसी वर्नलाइज कंडीशन के रहा, ये 11th वीक तक भी जब देखा गया इसको तो इसमें नो फ्लावरिंग, ओके, इसमें कोई भी फ्लावरिंग कंडीशन नहीं थी। तो इससे क्या पता चलता है, इसे ये मालूम पड़ता है कि यस जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल में प्लांट में दैट इज फ्लावरिंग फेज को अटेन करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी होती है उसे इन्हेंस कर देता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था मैंने इसको ही आपको यहाँ पे बनाकर समझाया है। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई हो क्योंकि इससे बहुत से कंसेप्ट भी आप गेन कर लेते हो। अब आते हैं हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म पे कि यहाँ पे चीजें काम कैसे कर रही हैं। तो देखिए इस फ्लावरिंग मैकेनिज्म के पीछे बहुत से फैक्टर होते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अरेबिडोप्सिस थालियाना का, ठीक है, कि अरेबिडोप्सिस थालियाना में हम इसे स्टडी करें बिकॉज एक प्लांट को तो टारगेट करना ही पड़ेगा। तो देखने वाली बात ये होती है कि एक पहला जीन होता है दैट इज एफएलसी जीन, फ्लावरिंग लोकस सी जीन। ठीक है, ये एफएलसी फ्लावर लोकस सी जीन क्या है, इट इज अ रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग को रिप्रेस करता है। दैट मीन्स ये नॉन वर्नलाइज प्लांट में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा एंड वर्नलाइज प्लांट में ज्यादा अमाउंट में पाया नहीं जाएगा, क्योंकि वर्नलाइज प्लांट जो होते हैं दैट इज दे कैन अटेन फ्लावरिंग, और अगर वो फ्लावरिंग कर रहे हैं तो वेरी ऑब्वियस में फ्लावरिंग का रिप्रेसर तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए इसका अमाउंट वर्नलाइज प्लांट में कम देखा गया है एंड नॉन वर्नलाइज में ज्यादा देखा गया है। सेकेंड जीन आता है एफटी जीन। एफटी जीन एक्चुअल में लीव्स में प्रेजेंट रहता है और ये एक फ्लोरिजन फैक्टर है और ये फ्लावरिंग जीन की तरह काम करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करवाता है। जो हमारा थर्ड जीन है दैट इज SOC1 जीन, दैट इज सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस 1 जीन, ये भी एक फ्लावरिंग जीन है एंड दिस इज प्रेजेंट इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम। FD जीन दैट इज फ्लावरिंग लोकस D जीन, ये भी शूट एपिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट रहता है एंड इट इज ऑल्सो अ फ्लावरिंग जीन। VRN2 जीन इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ FLC जीन, लेकिन FLC जीन अरेबिडोप्सिस में पाया जाता है एंड VRN2 जीन मेनली विंटर सीरियल्स में पाया जाता है। ऑल दो इसका भी काम सेम टू सेम ही है कि प्लांट को फ्लावरिंग नहीं करने देना, ठीक है, इसलिए जब हम वर्नलाइजेशन करते हैं तो VRN2 जीन रिप्रेस हो जाता है क्योंकि वर्नलाइजेशन के बाद प्लांट फ्लावर करेगा। फिर आते हैं VRN1 एंड VIN3 जीन जो कि वर्नलाइजेशन के बाद एक्टिव हो जाते हैं और फ्लावरिंग करवाने में हेल्प करते हैं। लास्ट में आता है फ्रीडिजा दैट इज फ्राई जीन जो कि दैट सर्व टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम फ्लावरिंग थ्रू द वर्क ऑफ FLC। तो आप कह सकते हो ये FLC का फ्रेंड होता है, फ्राई एंड FLC जीन दोनों मिलकर फ्लावरिंग कंडीशन को इनहिबिट करते हैं। तो ये तो हमने सबका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, जरा सा देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि FLC जीन अगर एक्टिव है तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, सिर्फ वेजिटेटिव फेज ही रहेगा क्योंकि ये रिप्रेसर है फ्लावरिंग का। अगर FLC जीन इनएक्टिव है तो प्लांट में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एक प्लांट फ्लावर करे तो उसमें FLC का इनएक्टिव होना जरूरी है। तो सम वर्नलाइजेशन जीन में पहला वर्नलाइजेशन जीन आ जाता है VRN1 जिसके बारे में अभी मैंने बताया, जिसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन 1।
देन आता है VIN3 जो कि होता है वर्नलाइजेशन इन सेंसिटिव 3। तो देखा ये गया है कि FLC जब केस 1 की मैं बात कर रही हूँ, FLC जब एक्टिव रहता है तो ये FT जीन, FD जीन एंड SOC1 जीन तीनों को इनहिबिट करता है। ये वही तीनों जीन है जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, और ये तीनों के तीनों जीन फ्लावरिंग जीन होते हैं जो फ्लावरिंग को प्रमोट करेंगे। तो FLC ने क्या किया, FLC ने दैट इज FT जीन, FD जीन एंड SOC1 जीन तीनों को इनहिबिट कर दिया। यहाँ पे लोकेशन आपको दिखा रखा है कहाँ कहाँ पे ये इनहिबिट होते हैं, तीनों को इनहिबिट कर दिया और तीनों के तीनों फ्लावरिंग जीन थे, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि रिजल्ट क्या होगा, नो फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी उस प्लांट में। केस टू में क्या किया हमने, वर्नलाइजेशन दे दिया जिसकी वजह से VIN3 एंड VRN1 यानी ये जीन्स एक्टिवेट हो गए। इनके एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने एक्टिवेट होके FLC को रिप्रेस कर दिया यानी रोक दिया, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट FLC जब इनहिबिट हो गया तो सारे के सारे फ्लावरिंग जीन एक्टिव हो गए एंड फ्लावरिंग कंडीशन देखने को मिलने लगा। एक और पाथवे के थ्रू समझ लेते हैं और बेटर ढंग से समझ में आएगा। देखिए जब वर्नलाइजेशन कंडीशन नहीं है तो FLC एक्टिव रहेगा, ठीक है, तो दैट विल बी इनहिबिटिंग दी FD जीन, FT जीन एंड SOC1 जीन जो कि सब के सब फ्लावरिंग जीन होते हैं। अब ये सब इनएक्टिव रह गएंगे तो क्या होगा, देर विल बी नो फ्लावरिंग। और एक प्लांट कभी भी फ्लावरिंग फेज में फ्लावरिंग फेज में दैट इज ट्रांजिशन नहीं करेगा, और उस पर्टिकुलर प्लांट में सिर्फ और सिर्फ रोजेट कंडीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्नलाइजेशन की, तो जब हमने वर्नलाइज किया एक प्लांट को तो इनएक्टिव FLC हो गया। कैसे, आपको पता है यहाँ पे बहुत से वर्नलाइजेशन जीन का एक्टिवेशन हुआ, जैसे कि हो गया VIN3 जीन एंड VRN1 जीन। अभी हमने यहाँ पे देखा था दैट इज VIN3 एंड VRN1, इन जीन का एक्टिवेशन हो गया। इन जीन्स ने मिलकर क्या किया, इसको FLC को इनहिबिट किया, इनहिबिट करने की वजह से FLC इनएक्टिव रह गया। अब ये इनएक्टिव रहेगा तो वेरी ऑब्वियस अब ये फ्लावरिंग जीन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, फ्लावरिंग जीन एक्टिवेट हो जाएंगे एंड प्लांट में फ्लावरिंग करवा देंगे। तो प्लांट में क्या होगा, वेजिटेटिव फेज से दैट इज ट्रांजिशन हो जाएगा फ्लावरिंग फेज में। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं अरेबिडोप्सिस एंड विंटर सीरियल्स में। कहानी बिल्कुल वही है जो आपको पता है, कुछ नई कहानी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें यहाँ पे विदाउट वर्नलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अरेबिडोप्सिस में क्या होगा, FLC एक्टिव रहेगा जो कि SOC1 एंड FT जीन को इनहिबिट करेगा, वेरी सिंपल, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन विंटर सीरियल्स में बात करें तो विंटर सीरियल्स में FLC नहीं पाया जाता है, FLC जैसा काम करने वाला एक जीन दैट इज नोन एज अ VRN2, राइट, VRN2, इसको याद रखिएगा। VRN2 जीन एक्चुअल में इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक द रिप्रेसर जो कि हमने देखा था अरेबिडोप्सिस में। ठीक है, तो VRN2 यहाँ पे रिप्रेसर की तरह काम करता है। तो जब VRN2 एक्टिव रहेगा तो ये क्या करेगा, ये फ्लावरिंग को रोक सकता है, और जब तक ये एक्टिव रहेगा तब तक एक प्लांट फ्लावरिंग करेगा ही नहीं। तो देखिए जब विंटर सीरियल्स में वर्नलाइजेशन नहीं दिया है तो VRN1 जो कि वर्नलाइजेशन जीन है ये एक्टिव नहीं रहेगा, VRN2 एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से FT जीन भी रिप्रेस रहेंगे, यानी सारे के सारे फ्लावरिंग जीन रिप्रेस है, तो फ्लावरिंग क्या होगी, देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम वर्नलाइजेशन कंडीशन ले रहे हैं तो FLC रिप्रेस हो चुका है, जिसकी वजह से SOC1 एंड FT जीन का एक्टिवेशन हो चुका है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर इज अ प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली यहाँ पे विंटर सीरियल्स में आप देख सकते हैं कि अगर वर्नलाइजेशन कंडीशन दे दिया है तो VRN1 एक्टिव हो चुका है, VRN2 रिप्रेस हो गया है। अभी कहा था अगर VRN2 रिप्रेस रहेगा तभी जाकर फ्लावरिंग होगी, और अगर ये एक्टिव रहता है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ये एक्टिव था तो ये क्या कर सकता है, फ्लावरिंग को रोकेगा, और अगर VRN2 अगर इनएक्टिव है, ओके, इनएक्टिव है, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, अगर ये इनएक्टिव है तभी ये फ्लावरिंग करवाएगा। फाइन, तो यहाँ पे दैट इज योर VRN2 रिप्रेस हो गया है, जिसकी वजह से FT जीन एक्टिव हो जाएगा, FT जीन एक्टिव हो जाएगा मतलब फ्लावरिंग जीन एक्टिव हो गया, हेंस फ्लावरिंग प्रमोटेड। तो इस ढंग से हमने यहाँ पे बहुत से फैक्ट्स देख लिए कि कौन कौन से जीन्स काम करते हैं। यहाँ पे एक मेजर चीज आती है कि अगर कभी पूछा जाए कि नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट में FLC का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, तो वॉट शुड बी योर आंसर, नॉन वर्नलाइज प्लांट में FLC का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, दैट इज हाई रहेगा, एंड वर्नलाइज्ड प्लांट में
वन एलाइज प्लांट में अगर हम FLC का कंडीशन देखें तो दैट इज बहुत ज्यादा लो रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर म्यूटेशन हो गया है FLC में अगर म्यूटेशन हो गया है तो क्या होगा, FLC में म्यूटेशन हो जाएगा तो हम ये मान सकते हैं कि यस उस प्लांट में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, चाहे आप उसे वर्नलाइजेशन कंडीशन दें या ना दें, क्योंकि जो रिप्रेस कर सकता है फ्लावरिंग को वो जीन तो ऑलरेडी म्यूटेट हो चुका है, तो वेरी ऑब्वियस आप चाहे उसको वर्नलाइजेशन दें या ना दें वो फ्लावरिंग कर सकता है, क्योंकि उसको लाइक नॉन फ्लावरिंग कंडीशन में मेंटेन करने वाला जो जीन है दैट इज FLC जीन है, फाइन। ओके सो हियर इज वन क्वेश्चन दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम योर गेट, और काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है, फटाफट से हम इसको डील कर सकते हैं, आप भी इसको सॉल्व करके देखिए कि हाँ आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कंसीडर द फॉलोइंग पाथवे कंट्रोलिंग द टाइम टू फ्लावरिंग इन द वीट, ध्यान रखिएगा वीट में बोला गया है आपको, मैंने वीट भी पढ़ा है एज वेल एज अरबिडोप्सिस भी पढ़ा है। तो यहाँ पे एक पाथवे दिया गया कि कोल्ड टेम्परेचर जब हम देते हैं तो कोल्ड टेम्परेचर विल इनहिबिट VRN2 जीन, यानी VRN2 कौन सा जीन है, वही जीन जो बिल्कुल FLC की तरह काम कर रहा है, राइट। सो VRN2 जीन को कोल्ड टेम्परेचर इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से VRN2 जो कि VRN1 को इनहिबिट करके रख रहा था, ये इनहिबिशन हट जाएगा, और अगर ये हट जाएगा तो वेजिटेटिव फेज का ग्रोथ रुकेगा एज वेल एज फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन है, ये वर्नलाइजेशन कंडीशन है। अगर आपने कोल्ड टेम्परेचर दिया इस ये VRN2 को रोकेगा, VRN2 जो कि VRN1 को रोक रहा था वो अब रोक नहीं पाएगा, यानी इसका इनहिबिशन इफेक्ट हट जाएगा, VRN1 जीन एक्टिव हो जाएगा जो कि वर्नलाइजेशन जीन। सो VRN2 जीन जो कि VRN1 जीन को इनहिबिट कर रखा था, ये इनहिबिशन हट जाएगा, VRN1 जीन का एक्सप्रेशन हाई हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट विल प्रमोट दी फ्लावरिंग। ये यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यस इस पाथवे में शायद ऐसा ही कुछ कह रखा है और हमने भी कुछ ऐसा ही पढ़ा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इफ अ बैच ऑफ पी ऑफ वीट सीड, ओके एक बैच है जिसमें कि एक पी वीट को लिया गया है, ठीक है, और एक क्यू को लिया गया है, एक बैच का नाम है क्यू। इफ अ बैच पी ऑफ वीट सीड इज वर्नलाइज बिफोर सोइंग, ओके तो इसको हमने क्या किया, वर्नलाइजेशन कंडीशन दे दिया, एंड द बैच क्यू इज नॉन वर्नलाइज, और इसको हमने वर्नलाइजेशन कंडीशन दिया ही नहीं, नॉन वर्नलाइज, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, अगर हम ऑप्शन ना भी देखें तो क्या कह सकते हैं, सीधी सी बात है ये तो वही वाली कहानी होगी जो अभी मैंने आपको एक केस स्टडी पढ़ाई थी, एक कंट्रोल को लेकर और एक नॉर्मल को लेकर, कि यस 11 वीक में जो फ्लावरिंग कर गए थे बिल्कुल वैसा ही कंडीशन है, लेकिन ट्विस्ट क्या दिया है इन्होंने, अगर आपने सिर्फ अरबिडोप्सिस का पढ़ा है दैट इज वर्नलाइजेशन, तो आपको पता है कि उसमें FLC काम करता है फ्लावरिंग को रोकने के लिए, लेकिन अगर आपने वीट का नहीं पढ़ा है तो शायद आप ये क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि एक जनरल बेसिस पे भी दिमाग चलेगा ना तो ये चलेगा कि यार VRN2 है यानी ये वर्नलाइजेशन जीन होना चाहिए तो ये इनहिबिट क्यों करेगा, लेकिन अगर आपने वीट की कहानी पढ़ी है तो आपको पता है कि इनहिबिटर का खुद का नाम है VRN2, ठीक है। तो क्या होगा, पी वीट में दैट इज पी वीट में वर्नलाइजेशन दे दिया गया है जिसकी वजह से जो है दैट इज योर VRN2 का इनहिबिशन हो जाएगा, VRN2 का इनहिबिशन हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट VRN1 एक्टिव हो जाएगा, VRN1 एक्टिव होगा तो इसमें फ्लावरिंग होगी, रादर टू से अर्ली फ्लावरिंग होगी, क्योंकि हम अर्ली ही करवाते हैं, राइट, अर्ली फ्लावरिंग होगी एज कंपेयर टू क्यू प्लांट, क्योंकि क्यू वीट में नॉन वर्नलाइज्ड है तो इसमें अभी भी जो है दैट इज VRN2 एक्टिव रहेगा अंटिल और अनलेस इसको दैट इज योर आप कह सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब तक इसको कोल्ड टेम्परेचर ना मिले, जब तक इसको वैसा क्लाइमेटिक कंडीशन ना मिले तब तक ये फ्लावरिंग करेगा नहीं, आप कह सकते हो जब इसको बाद में इसका सूटेबल कंडीशन मिल जाएगा तब जाकर ये फ्लावरिंग करेगा, मतलब ये लेट फ्लावरिंग करेगा, उतना अर्ली नहीं करेगा जितना अर्ली पी वाली वैरायटी करेगी, बस हमने जो यहाँ पे कंक्लूजन निकाला इसी को हमें मैच कर लेना है। बोला गया है देन विच सॉरी इफ द बैच पी ऑफ द वीट सीड इज वर्नलाइज बिफोर सोइंग एंड बैच क्यू इज नॉट वर्नलाइज देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला देख लीजिए, पी विल हैव लोअर VRN2 ट्रांसक्रिप्ट एंड विल फ्लावर लेटर देन क्यू, पी में लोअर VRN2 का ट्रांसक्रिप्ट होगा, मतलब VRN2 को अगर हम mRNA लेवल पे अगर देखेंगे तो किस में ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, वेरी ऑब्वियस P
पी में एकदम कम होगा कंसंट्रेशन, और क्यू में क्या होगा, क्यू में तो अभी तक इसको इनहिबिट किया ही नहीं गया है तो इसका कंसंट्रेशन हाई पाया जाएगा, राइट। तो ये पहली वाली यहाँ यहाँ तक तो लाइन ठीक कही गई है कि पी में जो है लोअर ट्रांसक्रिप्ट पाया जाएगा वी आर एन टू का एंड विल फ्लावर लेटर देन क्यू, लेकिन ये क्यू से लेट फ्लावर करेगा, बट दिस इज रॉन्ग। ये तो क्यू के कंपेरिजन में पी वाली वेराइटी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्ली फ्लावर करेगी, जल्दी फ्लावर करेगी एज कम्पेयर टू द क्यू, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बी देखिए, पी विल फ्ला सॉरी पी विल हैव लोअर वी आर एन टू, बिल्कुल सही, वी आर एन टू ट्रांसक्रिप्ट एंड विल फ्लावर अर्ली देन क्यू, एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट आंसर। यही तो हम ढूंढ रहे थे कि यस पी प्लांट में वी आर एन टू का एक्सप्रेशन कम पाया जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट कम होगा, एज वेल एज ये क्यू के कंपेरिजन में जल्दी फ्लावर करेगा, अर्ली फ्लावर करेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। तो हमारा डिजायरेबल आंसर ये हो गया, पी विल हैव हायर तो होगा नहीं, पी क्यू विल हैव इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा, जब एक को वनलाइजेशन दिया है तो वेरी ऑब्वियस वनलाइजेशन तो वी आर एन टू को रोकेगा। तो इसके साथ हमारा आंसर हो जाता है, दैट इज आंसर टू। तो आपने कंसेप्ट भी गेन किया, क्वेश्चन में भी अप्लाई कर लिया, इसी बहाने आपको ये भी मालूम हो गया कि क्वेश्चन आते किस किस टाइप के हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे दैट इज अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।